हैप्पी न्यू ईयर। और आज के बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम जो सच्चाई है, परमेश्वर की सच्चाई हमको बाइबल में से नज़र आती है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तब सबसे हम देखते हैं कि उसका सेंट्रल थीम, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं। सबसे फेमस वर्स हम सब ने सुना होगा वो ये है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दिया। और हम बाइबल के पूरे कहानी हम जब पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाएं दी हैं इंसान को। जैसे हम शुरुआत से ही देखते हैं परमेश्वर आदम को एक आज्ञा देते हैं, फिर आगे हम जब बढ़ते जाते हैं हम देखते हैं कि इज़राइल को परमेश्वर बहुत सारी आज्ञाएं देते हैं। और हम जब नए नियम में पढ़ते हैं, यूहन्ना ऐसे कहते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं वो, हम अगर परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं तो वो हमारे लिए बहुत भारी नहीं है। हम परमेश्वर के प्रेम को जब हम समझते हैं हम ये समझ जाते हैं कि जो परमेश्वर हमको आज्ञाएं देते हैं वो हमारे भलाई के लिए हैं। पर अगर हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझते तो हमको लगेगा कि परमेश्वर ने हमको इतने सारे रूल्स दे दिए हैं, हमको ये करना है, हमको ये करना है, और हम खुद पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमको लगता है कि हमको ये करना है तभी हम परमेश्वर को खुश कर पाएंगे और हम उससे दब जाते हैं। पर जब हम परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं हम ये समझते हैं कि परमेश्वर अगर कोई आज्ञा हमको देते हैं तो उसका पालन करने की शक्ति भी हमको उस प्रेम के कारण देते हैं। तो नए नियम में एक आज्ञा है जिसको याकूब इस तरीके से कहते हैं कि प्रेम की राज व्यवस्था। तो नए नियम में सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ जो हमारे लिए है वो है कि हमें परमेश्वर के प्रेम में चलना है, हमको परमेश्वर से प्यार करना है और दूसरे लोगों से भी प्यार करना है। तो प्रेम जो है वो राज व्यवस्था, यानी हम इस राज्य के सदस्य अभी हो गए हैं। परमेश्वर किंगडम ऑफ गॉड जो हम बोलते हैं, परमेश्वर के राज्य के भाग हम हो गए हैं, तो ये हमारे लिए एक व्यवस्था है। तो इसी व्यवस्था के बारे में हम कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे आज और आशीष पाएंगे। तो इस नए साल में हम आए हैं और परमेश्वर हमको दिन भर दिन कुछ सिखाते हैं। जैसे पिछले सालों में परमेश्वर ने हमको कृपा दिया और आज वो एक हमको नई कृपा दे रहे हैं। जैसे एक नए रास्ते में वो हमको चला रहे हैं। जैसे परमेश्वर हमको दिन प्रतिदिन हर एक दिन कुछ नया रेवलेशंस देते हैं, नया प्रगटीकरण। जैसे हमारे दिन बढ़ते रहते हैं और हम अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हैं और हम अलग अलग, जैसे हमारी ज़िंदगी एक यात्रा के समान है तो हम अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं। जैसे इस नए साल में हम कुछ चीज़ों का सामना कर रहे होंगे जो पिछले सालों में हमने किया नहीं, तो हमको बस ये याद रखना है कि हमको केवल प्रगटीकरण की ज़रूरत है। हम कहीं पे भी परमेश्वर हमको ले जाते हैं एक चरवाहे के समान और वो प्रगटीकरण देता है। अलग अलग जो हमारे सीजन्स रहते हैं हमारे लाइफ के, जैसे अलग अलग मौसम, जैसे कुछ समय में शायद कुछ लोग हमसे चले जाते होंगे, कुछ समय ऐसा होगा जब हम अकेला महसूस करते होंगे, कुछ समय ऐसा होगा, मतलब कुछ पीरियड ऑफ लाइफ जब हमको लगता होगा कि दिन बहुत जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, और कुछ समय शायद ऐसा होगा कि हमको लगता है कि पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कुछ हमको ऐसा लगता होगा कि कोई ग्रोथ ही नहीं है हमारी लाइफ में। तो अलग अलग सीजन्स के थ्रू हम जाते हैं, अलग अलग मौसम हमारी ज़िंदगी में आता है, पर परमेश्वर उन सभी सीजन्स में, जो भी समय हो, जो भी हम फेस कर रहे हो, आप फेस कर रहे हो, जिन चीज़ों का हम सामना करते हैं, उसके लिए परमेश्वर हमको तैयार करते हैं अलग अलग प्रगटीकरण देके। अब जैसा हमने देखा, वो प्रगटीकरण तो एक्चुअली सेम ही है, प्रेम, विश्वास, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, लेकिन
उसका अलग अलग लेयर, जैसा हम एक गुलाब को देखते हैं ना कि पहले लेयर उसके अंदर और एक लेयर, उसके अंदर और एक लेयर, तो परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि हम उसको एकदम से समझ नहीं सकते हैं। और अलग 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 जैसे जैसे एक तस्वीर है, समझो एक बहुत सुंदर तस्वीर है और उसमें बहुत सारा डिटेल है, कुछ पहाड़ है, पेड़ है, कुछ लोग वहाँ पे हैं, बहुत बड़ा पेंटिंग है, तो उसको हम देखते हैं तो हम पहले कुछ हमको दिखाई देता है, फिर हम कभी थोड़े समय बाद देखते हैं तो हमको लगता है कि ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मेरी नज़र में आया ही नहीं। तो अलग अलग बातें हैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में, जो हम हमेशा सीखते रहेंगे। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि हमने सब कुछ सीख लिया, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में ज़्यादा प्रगटीकरण पाते रहते हैं। तो बाइबल में ऐसा है, परमेश्वर ने एक कॉन्सेप्ट रखा है, परमेश्वर ने एक अपने बच्चों के लिए, अपने लोगों के लिए एक पूर्ण शांति, जैसे शालोम करके एक वर्ड है, और वो जो शब्द है, जैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि एक गोल है तो कैसा होगा, जैसे फुल मून होता है, चंद्रमा जब पूरा फुल मून रहता है तो हम कैसे देखते हैं कि वो एकदम परफेक्ट गोल रहता है, तो उसी तरह शालोम मतलब पूर्ण शांति, कि उसमें कोई कमी नहीं है, पूर्ण शांति है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, नथिंग मिसिंग नथिंग ब्रोकन, ऐसे बोलते हैं कि शालोम, जब परमेश्वर का शालोम जब रहता है तब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी टूटा हुआ नहीं रहता, सब कुछ जुड़ जाता है और कुछ भी कमी, कोई भी कमी नहीं रहती, सब कुछ भरपूर हो जाता है। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब इस उस जगह में रहें, कि जैसा जब भी आप मून को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, ये सोच सकते हैं कि परमेश्वर उसी तरह चाहते हैं कि एकदम गोल, एकदम परफेक्ट, कुछ भी उसमें थोड़ा ये नहीं है, नहीं तो कुछ और कमी है, नहीं तो मन ठीक नहीं है, नहीं तो शरीर ठीक नहीं है, नहीं तो कुछ भी, वो सब परमेश्वर जो कमी है उसको पूरा करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम शालोम में रहें, कि हम पूर्ण शांति में रहें। और कभी कभी मुझे लगता है कि लोग क्या करते हैं मसीही समाज में, वो ऐसा गलती से क्या करते हैं ना, वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी जो आत्मिक ज़िंदगी के बारे में परमेश्वर को बहुत चिंता है, हाँ चिंता है, नहीं तो वो बहुत परवाह करते हैं, उसी में उनका ध्यान है कि हम आत्मिक, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, और वो सच है, लेकिन वो कभी कभी लोग ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर को हमारी ज़िंदगी के जो सारे क्षेत्र हैं, सारी बातें हैं, दिन प्रतिदिन जिन बातों की आप चिंता करते हैं, जिन बातों के बारे में आप सोचते हैं सुबह शाम, जो छोटी छोटी बातें हैं उनके बारे में भी परमेश्वर चिंता करते हैं, चिंता वो नहीं करते लेकिन वो केयर्स, जैसे पत्रस कहते हैं कि तुम चिंता मत करो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है, हर बात को परमेश्वर ध्यान में रखते हैं, जिन बातों के बारे में हम सोचते हैं वो उनको, उन बातों को ध्यान में रखते हैं, और हम छोटी छोटी बातों के लिए भी परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। और आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो हमारे ज़िंदगी को, हर दिन हमारी ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ें और फूले फलें। तो हम प्रेम में हमको चलना है, परमेश्वर से हमको प्रेम करना है, लोगों से हमको प्रेम करना है, और अपने आप से भी हमको प्रेम करना है। यीशु मसीह ने भी कहा कि लव योर नेबर एज योर सेल्फ, अपनी तरह अपने पड़ोसी से प्रेम करो। हमको अपने आप को अपने आप की ओर एक नफ़रत की भावना में नहीं रहना है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रेम में ज़्यादा चल सकते हैं, दूसरों को हम कैसे ज़्यादा प्रेम कर सकते हैं, प्रेम में हम कैसे चल सकते हैं जो हमारे, जिन लोगों से हम मिलते हैं,
और हाँ अपनी तरफ हम कैसे प्रेम में रह सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम कैसे प्रेम में बढ़ सकते हैं। एक्चुअली हम देखते हैं ना कि परमेश्वर का एक वे ऑफ ऑपरेशन होता है, परमेश्वर के काम करने का एक तरीका होता है, और हम देखते हैं ये बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ वचन में कि परमेश्वर जो ईविल है, जो नफरत है, उसको वो प्रेम से जीत लेते हैं। मतलब अगर कोई हमारी तरफ अगर नफरत करता है, कोई हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता है, तो अगर हम भी उन पे गुस्सा होंगे तो हम उन पे उस चीज़ पे हम जय नहीं पा सकते हैं। पर हम उनको अगर प्रेम करेंगे तो हो सकता है कि कुछ टाइम लगे, ये हो सकता है कि तुरंत नहीं हो, पर उस सिचुएशन के ऊपर रोमियो में भी पॉलस लिखता है ना कि बुराई को हमको भलाई से जीतना है। और इस दुनिया में हमको लग सकता है कि ये क्या तरीका है, इस बुरे दुनिया में तो हम भी बुरे नहीं बनेंगे, तो हमारा तो कुछ नहीं हो हमारा तो कुछ नहीं होना है, हम तो एकदम डूब जाएंगे। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का तरीका भले ही देखने में ऐसे लगता होगा कि ये ऐसे ही जिनके पास ताकत नहीं है वैसे लोगों का तरीका है ये, कि क्योंकि जिनके पास ताकत होता है वो तो अपना पावर दिखा के सब काम करवा लेते हैं, पर हमको ये समझना है कि जो प्रेम का तरीका है वही सबसे पावरफुल है, क्योंकि परमेश्वर खुद उसी तरीके को अपनाते हैं। तो अगर हमको सही में पावरफुल बनना है, हमको सही में ताकत चाहिए कि इस दुनिया में हम किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकें, तो हमको प्रेम का तरीका अपनाना है। वो ऐसे ये नहीं है कि ओ दिस इज़ फॉर लूजर्स, लाइक कि जिनसे कुछ और नहीं हो पाता वही ये करते हैं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर सबसे शक्तिशाली हैं, पर वो भी यही तरीका अपनाते हैं, मतलब सबसे बढ़िया तरीका यही है। प्रेम में बहुत सामर्थ है। और हम लोग, मैं जब स्कूल में थी, बहुत छोटी थी, तो एक दिन एक टीचर, हमारे एक टीचर, वो कह रहे थे कि, और वो हिंदू थे वो मैडम, वो कह रही थी कि क्रिश्चियंस का एक है वो हमेशा प्रेम को बहुत ध्यान देते हैं। और मुझे नहीं पता उन्होंने कितने क्रिश्चियंस को देखा भी होगा, लेकिन वो ऐसे कह रहे थे कि मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जो मसीही लोग हैं वो प्रेम उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ऐसा ही रहना चाहिए क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उनके लोगों को भी प्रेम में, प्रेम हमारा आइडेंटिटी है, मसीही लोगों की छाप है कि वो प्रेम में चलें। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा ना कि जो प्रेम तुम एक दूसरे से रखते हो उससे लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे हो। तो यीशु के समान हमको प्रेम करना है। तो पहले हम देखते हैं कि हम अपने आप से भी हमको प्रेम करना है। तो मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी में ये बात बहुत ज़रूरी रहा है। जैसे शैतान हर किसी को अलग अलग बातों में फंसाता है ना, हम देखते हैं जैसे कि कुछ लोगों को गुस्से में फंसाता है, कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोग बहुत अलग महसूस करते हैं अपने आप को दूसरों से, कुछ लोग उनके शरीर में उनको प्रॉब्लम रहता है, मतलब ऐसा अलग अलग बातों को देखते हैं। तो मुझे जब से मैं छोटी थी, आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत प्रॉब्लम एरिया रहा है कि मैं हमेशा अपने आप को जैसे मारती रहती हूँ इमोशनली। ऐसा मैं रहती थी, जैसे मेरे मन में मैं अपने आप को बहुत कोसती थी, हाँ, और इसका रीज़न मुझे नहीं पता, लेकिन और छोटी छोटी बातों को लेकर भी। और प्रभु के साथ इस यात्रा में प्रभु मुझे लेते, मतलब ये सिखाते आ रहे हैं कि कैसे अपने तरफ भी मुझे प्रभु का प्रेम मुझे स्वीकार करना है, मेरी ओर भी, जैसे दूसरों को हमको प्रेम करना, मुझे अपने आप को भी प्रेम करना, मुझे अपने आप को भी नफरत नहीं करना है। कुछ लोगों को शायद ये बहुत अजीब लगता होगा कि कैसे कोई अपने आप को नफरत कर सकता है, लेकिन शैतान कुछ लोगों के मन में, जैसा मेरे मन में भी मुझे अब पता चला है कि शैतान उन बातों को डालता है कि देखो तुम सही नहीं हो, देखो तुम एकदम बुद्धू हो, देखो तुमको कुछ समझ में नहीं आता, देखो, और जो पास्ट की बातें कि देखो तुमने ऐसा कर दिया, देखो तुमने उनको ऐसा बोल दिया, देखो तुमने उनको ध्यान नहीं दिया, जो पास्ट मिस्टेक्स, जो गलतियाँ भविष्य में मैंने किया है
उसको लेके शैतान मुझे बहुत बोलते रहता था कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, मैं भी वो सुन के कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों किया, और हर सिचुएशन में अपने आप को मारते हुए बहुत बार ऐसे मेरे साथ हुआ है। और इस यात्रा में मैं हूँ कि प्रभु मुझे सिखाते रहता है और मैं धीरे धीरे करके उससे बाहर आते अभी भी आ रही हूँ। और जो मैंने सीखा वो मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि मुझे सब मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन जितना प्रभु ने मुझे सिखाया मैं बताना चाहती हूँ। परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं, ये हम सबको जानना है। ज़िंदगी में हम कुछ और समझ में आए नहीं आए, हमको जानना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं। और आप ये भी जान आपको ये भी जानना है कि और भी लोग आपसे प्रेम करते हैं। कोई ना कोई तो होगा जो आपसे प्रेम रखते हैं, भले वो आपकी मम्मी क्यों ना हो, कोई ना कोई तो परमेश्वर ने आपको दिया है जो आपसे प्रेम करते हैं। और हमारा फोकस कहाँ पे है, वो जैसे हमारा ध्यान हमको उस पे रखना है कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर ने मुझे कुछ लोग दिए हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं। भले हमको लगता होगा कि दुनिया में कई लोग हमसे नफरत करते हैं, हमको कुछ नहीं समझते हैं, हमको एकदम कुछ भी इज्जत नहीं देते हैं, हम जब उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हम प्रेम में नहीं चल पाएंगे। हम एक्चुअली ये आजकल बहुत चलता है ना, सेल्फ लव की बात करते हैं, ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जब लोग कहते हैं कि वो खुद को प्रेम करो, खुद को प्रेम करो, हम परमेश्वर को छोड़कर हम खुद को प्रेम नहीं कर सकते। हमको परमेश्वर में हमको प्रेम करना है, यानी कि परमेश्वर हमको जैसे देखते हैं वैसे हमको देखना है। जैसे परमेश्वर प्रेम करते हैं सबको, पर जैसे दुनिया में लोग कहते हैं ना सेल्फ लव, कि लोग सोचते हैं कि नहीं तुमको खुद को प्रेम करना है, बट हमको ये भी समझना है कि हम पापी हैं। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, पर ये नहीं है कि खुद को हमको परफेक्ट समझना चाहिए। जैसे वो सोचते हैं ना कि वो कैसे भी हैं, जैसे भी हैं, हमको अपने आप को प्रेम करना है क्योंकि हम परफेक्ट हैं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं। हमको ये ध्यान में रखना है कि परमेश्वर के बिना तो हम कुछ नहीं हैं, और हम में बहुत सारी कमियाँ हैं, पर परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए हमको वो वैल्यू प्लेस करना है हमारे ऊपर। परमेश्वर के लिए हम प्रेशियस हैं, परमेश्वर के लिए हम मूल्यवान हैं, तो इसीलिए हमको अपने आप को मूल्यवान समझना है, बट परमेश्वर को छोड़ के नहीं। अगर परमेश्वर नहीं है तो हम खुद को, भले हम सोच लें कि हमें खुद को प्रेम करना है क्योंकि हम परफेक्ट हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं क्योंकि हम परफेक्ट नहीं हैं। हमको एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, हमको परमेश्वर की ज़रूरत है हमको परफेक्ट करने के लिए। तो सेल्फ लव, ये दुनिया वाले सेल्फ लव की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं कि परमेश्वर जिस नज़रिए से आपको देखते हैं, कि भले ही आप, हो सकता है आप टूटे हुए हों, भले ही आप में कमियाँ हैं, पर परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वो आपको प्रेम करता है। वो इसलिए आपको प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि आप बहुत परफेक्ट हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है सेल्फ लव और परमेश्वर, हाँ, जो हम बात करें। और ये जो तुमने कहा वो अभी मैं बोलने वाली थी, जैसे जब हम पहले इस बात को समझेंगे कि हम सभी लोग पापी जन्मे हैं और अभी भी हम परफेक्ट नहीं हुए हैं, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, यीशु मसीह का वो दैविक स्वभाव हमारे अंदर है, लेकिन अभी भी हम अपने शरीर में ही हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है कि खुद से हमको परफेक्शन हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जैसे जैसे तुमको, तुमने अगर कोई गलती किया तो मुझे माफ़ करना है कि चलो गलती हो गया तुमसे, तो मैंने अगर कोई गलती किया तो क्यों मैं खुद को मारती रहूं। जैसे दूसरों को हम माफ़ करते हैं, खुद को भी हम माफ़ कर सकते हैं, ये समझ के कि परमेश्वर भी हमको माफ़ी दे रहे हैं। परमेश्वर खुद समझ रहे हैं कि हम शरीर में हैं, कि बीच बीच में हमसे हम परफेक्टली सब कुछ कर नहीं पाते, दुनिया में हम सबकी मदद कर नहीं पाते। कभी कभी जैसे
ऐसा हुआ है मेरे साथ कि कभी कभी कुछ लोगों को कुछ ज़रूरत नहीं थी, कोई दुखी था या कुछ, और उन पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि शायद मैं खुद कुछ, मेरे अंदर कुछ चल रहा था, मैं खुद कुछ प्रॉब्लम के साथ का सामना कर रही थी, तो मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। तो फिर मुझे याद आता है कि उनके साथ क्या हो रहा था और मैंने उनको ध्यान नहीं दिया, मैंने जो करना चाहिए था, जैसे व्यवहार करना चाहिए था, जैसे मसीह का प्रेम देना चाहिए था, वैसे नहीं दिया। तो खुद को ऐसा सोच के मुझे खुद को मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सब आगे बढ़ रहे हैं पर हम परफेक्ट नहीं हुए हैं। परमेश्वर हमको ग्रेस देते हैं, कृपा देते हैं और हम खुद